सो हाय गाइस, दिस इज वैभव। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे पास काफी लोगों के क्वेश्चन आए हैं। ये मेरा क्लाइंट है जो आर्म रेसलिंग ने अभी जस्ट शुरू की है, महीना भी नहीं हुआ इसको, आई थिंक 20-30 दिन हुए हैं। तो अभी जब आर्म रेसलिंग हमने स्टार्ट करी है, 2-3 साल 4 साल नहीं हुए इस गेम में, तो आप वो चीज़ समझोगे जो ये चीज़ से गुजर रहा है। इसको पूरे हाथ में पेन हो रहा है, बाइसेप में भी हो रहा है, एल्बो में भी पेन आ रहा है, इसकी रिस्ट भी पेन कर रही है, फोरम भी पेन कर रहा है। आर्म रेसलिंग में ये सारे मसल डिफरेंट तरीके से ट्रेन होते हैं, तो इसलिए पेन हमारा थोड़ा डिफरेंट रहता है। बच्चे डर जाते हैं, इतना भयंकर पेन होता है कि मतलब रात को नींद तक नहीं आती। मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ 4-5 साल पहले, तो मैं बता सकता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि उस पेन को कैसे आपको रिकवर करना है, उसका क्योर क्या है, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली 4 स्टेप बताऊंगा मैं, जिसमें से 4th स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। अभी जब मेरे को उस टाइम हुआ है मैं कॉन्वर्सिंग करते हुए, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ बाइसेप्स के इस वाले पोर्शन में पेन आ रहा है, एज वेल एज मेरे को यहाँ भी पेन आ रहा है। मोस्टली जो मेरा पेन जो आ रहा है जब भूख वाली सेल खेलते हैं और थोड़ा सा प्रोनेशन करते हैं, तो मेरे को यहाँ टेंडन में दर्द आ रहा है, टेंडन में दर्द आ रहा है। बेसिकली टेंडन जो है हमारे बहुत इन्वॉल्व होते हैं रेसलिंग में, तो टेंडन पेन आता है, टेंडनाइटिस हो जाता है लोगों को, गोल्फर एल्बो हो जाती है, टेनिस एल्बो भी कहते हैं, प्रिकेरियस में पेन आते हैं, रिस्ट में पेन आते हैं। तो सबका जो स्टार्टिंग में पहला इलाज है ना, वो है राइस थेरेपी। तो राइस थेरेपी बेसिकली क्या है हमारी, RICE, आर का मतलब है रेस्ट। आपको सबसे पहले रेस्ट देना है, कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जिसमें वो मसल टारगेट हो या वहाँ पे पेन बढ़े, सिंपल रेस्ट देना है। जो सेकंड चीज़ है आपको आइस थेरेपी करनी है, आइसिंग करनी है बेसिकली। तो आइसिंग में क्या है, जो आपका मतलब आपके मान लो इस टेंडन में पेन है, तो आपको यहाँ पे आइस तो लगानी है, इसके नियर बाई एरियाज में भी आइस लगानी है। कितनी देर के लगा सकता है? 10-15 मिनट के लिए लगानी है और दिन में 2-3 बार लगानी है। ठीक है, 15 मिनट ऑन 15 मिनट ऑफ ऐसे करें? नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट के लिए करी आपने, सुबह कर ली, दोपहर को कर ली, रात को कर ली, 2-3 बार दिन में करनी है और 2-3 दिन तक करनी है, ये होगी आइस थेरेपी। जो थर्ड चीज है हमारी वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन स्लीव्स आती है, देखा होगा एल्बो के लिए बांधते हैं, तो एल्बो वाली स्लीव को अगर एल्बो पे है तो वही बांध लिया, फोरम पे हो रहा है तो आगे बांध लिया, बाइसेप पे हो रहा है तो उसको ऊपर चढ़ा लिया, लोगों को शोल्डर में भी हो जाता है जॉइंट में उसको और ऊपर चढ़ा लिया, तो इसको इससे बेसिकली कंप्रेशन मिलेगा। कंप्रेशन से क्या होगा, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, है ना, तो जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। ये होगी तीसरी चीज। अब चौथी चीज हमारी क्या है, एलिवेशन। अगर आपके पूरे एल्बो में पेन है, हाथ में पेन है, इसको कोशिश करना कि हार्ट से ऊपर रहे। जब भी आपको लेटना है या खड़े हो, कोशिश करो आपका जो हाथ है ना हार्ट से थोड़ा ऊपर रहे। एलिवेशन करने से क्या होगा, ग्रेविटी का रोल खत्म हो जाएगा, हीलिंग प्रमोट होगी और स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला स्टेप जो है राइस थेरेपी। आफ्टर दैट जो सेकंड चीज हम क्या करेंगे, 2-3 दिन तक आइसिंग करी हमने, काफी फर्क इसी से आ जाएगा। उसके बाद हम हीट थेरेपी पे आएंगे। हीट थेरेपी में क्या है, जो हमारे ऑइंटमेंट्स होते हैं, बोलेनी मूव वगैरह जो भी हीट के लिए हम लगाते हैं, वो ऑइंटमेंट लगाना है और उसके बाद गर्म पट्टी बांध लेना। उसके बाद क्या करना है, उसको जेंटली मसाज करना, हल्का सा आपने नारियल का तेल लिया या सरसों का तेल लिया, जो भी आपके फोरम में पेन है, बाइसेप में पेन है, शोल्डर में पेन है, उस एरिया को जेंटली मसाज करना। उससे क्या होगा, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्वेलिंग कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और हीलिंग जल्दी होगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड चीज़ है इसमें, वो स्ट्रेचिंग। मसाज कर ली, हीट लगा ली, आइसिंग हमारी पहले हो चुकी है, अब हम उस एरिया को जेंटली स्ट्रेच करें। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर एल्बो में पेन आ रहा है या आपके बाइसेप में पेन आ रहा है, जेंटली उस मसल को स्ट्रेच करो, अपना शोल्डर वाला, जितने भी स्ट्रेचेज हैं नेट पे देखोगे आपको सारे स्ट्रेचेज मिल जाएंगे, नहीं तो आगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा स्ट्रेचेज के ऊपर प्रॉपरली। तो उस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारे मसल इन्वॉल्व है, उन मसल्स को जेंटली स्ट्रेच करें, वाइग्रसली नहीं करना, बहुत आराम से स्ट्रेच करना है, नहीं तो इंजरी बढ़ सकती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाई रेप ट्रेनिंग। आपके पेन हो चुका है, आपके टेंडन थके हुए हैं, आपके टेंडन डैमेज्ड है, इंजर्ड है, कुछ भी आपको प्रोलॉन्ग पेन हो रहा है काफी टाइम से, आपको हाई रेप ट्रेनिंग करनी है। हम जनरली ट्रेनिंग करते हैं 8-12 की रेंज में, या हम रेसलिंग के लिए 4-5-6 की रेंज में भी ट्रेनिंग करते हैं, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। बट जब आप किसी इंजरी से गुजर रहे हो, कोई आपको इंजरी हुई, आपको कोई पेन काफी टाइम से हो रहा है, दिक्कत दे रहा है, आपको ग्रोथ नहीं करने दे रहा, पंजा नहीं लगा पा रहे, जान नहीं लगा पा रहे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी ट्रेनिंग में हाई रेप ट्रेनिंग इन्वॉल्व करोगे। हाई रेप का मतलब है 40-50-100 रेप तक ट्रेन करना। मान लो आपके बाइसेप पेन कर रहे हैं, आपके ट्राइसेप में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो उस मसल्स को आप हाई रेप के लिए बिल्कुल लाइट वेट पे ट्रेनिंग करनी है आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आपका बाइसेप बहुत पेन कर रहा है, आपका ब्रेकियलिस पेन कर रहा है, डंबल होके बिल्कुल लाइट 2 किलो 2.5 किलो 5 किलो इससे ऊपर नहीं जाना, 40-50 रेप्स तक कंट्रोल करके उसको ट्रेन करो। उससे क्या होगा, पूरा बॉडी का जो ब्लड है ना वो उस मसल में पुश होगा, जो हीलिंग को प्रमोट करेगा और रिकवरी और जल्दी होगी। हाई रेप का मतलब है कि फेलियर तक नहीं जाना, 40-50 की रेप रखनी है, 3-4 सेट मारने हैं इसको, हफ्ते में 2-3 दिन आप कर सकते हो अपनी रिकवरी के अकॉर्डिंग। इससे यहाँ का मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हीलिंग प्रमोट होगी, बॉडी वहाँ पे ब्लड भेजेगी, और जो मेन चीज़ है वहाँ से लैक्टिक एसिड जो हमारा डेवलप हो जाता है जिससे हमारी सोरनेस बढ़ती है, वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाएगा, उसकी जगह वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, सब कुछ, आप डाइट अच्छी लोगे तो हीलिंग और जल्दी हो जाएगी। जो 2 दिन में होनी है चीज़ वो 1 दिन में हो जाएगी। कई लोगों को एक एक हफ्ते दर्द, तेरे को भी मेरे हफ्ते से दर्द तो ही रहा मेरे को, हफ्ते पहली बार हफ्ते बाद, हाँ, तो ये हाई रेप ट्रेनिंग इन्वॉल्व करेगा, 2-3 दिन में रिकवरी हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट थे मेन। अब 4th पॉइंट हमारा क्या है, आपको स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। इंजरी जैसी आपकी ठीक होगी, नेक्स्ट टाइम इस लेवल पे दोबारा इंजरी ना हो। मान लो आपको 30 किलो से आपने ट्रेनिंग करी, आपको इंजरी हो गई, आपको पेन हो गया भाई साहब, आपने 30 किलो पे ट्रेन किया, तो नेक्स्ट टाइम 30 किलो पे आपका फिर से वो पेन डेवलप ना, आपको स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। उसमें क्या करना है, इन्वॉल्व आइसोमेट्रिक वर्कआउट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया आइसोमेट्रिक वर्कआउट, होल्ड करके रखना डंबल को 15-20 सेकंड तक रोक के रखना,
आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग करनी है, इसमें आपका बेसिकली जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं रहेगी लेकिन मसल फिर भी ट्रेन होंगे। जॉइंट्स की कोई मूवमेंट नहीं है, मसल ट्रेन हो रहे हैं। इसके बाद नॉर्मल अपना ट्रेनिंग में प्रॉपर आपको फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन में ध्यान देना, अपनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, रेंज ऑफ मोशन में ध्यान देना। जो मोस्ट ऑफ द इंजरीज ट्रेनिंग के दौरान होती है वो होती है कि हमारा मसल की उतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं है, हमारा उतना फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट की नहीं है, लेकिन हम उससे ओवर उसको ट्रेन कर रहे हैं, फिर वेट भी लोड भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो इंजरी होगी ही होगी। अपना फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी पे ध्यान दें, उसके बाद स्ट्रेंथिंग वर्कआउट करें, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग ऐड करें, तो आगे वो इंजरी आने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। सो ये सब स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, स्टार्टिंग विद योर राइज थेरेपी, आफ्टर दैट योर हीट थेरेपी, आफ्टर दैट योर हाई रेप ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट योर स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये सब हो गया, इसके बाद भी अगर आपका मसल में पेन रह रहा है, जॉइंट्स में पेन रह रहा है, फॉर द टाइमिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन, ये आप लो डोजेस पे ले सकते हो टेम्पररी बेसिस के लिए। साथ साथ अपना ये थेरेपीज चालू रखो घर पे, देखो फर्क पड़ रहा है, इस सबके बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो सीख मेडिकल हेल्प, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि कई केसेस में इंजरी सीरियस भी हो जाती है। अगर आपको इंजरी है और आप फिर भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आर्म रेसलिंग कर रहे हो, तो फिर आपको डैमेज हो सकता है। मेरे अपने सामने इतने केसेस देखे हैं लोगों के, यहाँ से पूरा फ्रैक्चर हो जाता है ह्यूमरस का, पूरा स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है, कई लोगों के रिस्ट तक टूटी हुई है, शोल्डर डिसलोकेट हुए हैं, तो उस लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंजरी आ गई तो 6 महीने 12 महीने का बेड रेस्ट कहीं नहीं गया, आप आर्म रेसलिंग से तो कर ही नहीं पाओगे। तो डिग्रेड होने से अच्छा है पहले अपनी इंजरी पे ध्यान दो, उसको ठीक करो, रिकवर हो प्रॉपर, देन अपना ट्रेनिंग पे फोकस करो। इस वीडियो को एंड करते हैं, होप आपको सब कंटेंट जितना भी मैंने आप दिया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी हो, आप इसको यूज करें आगे फ्यूचर में, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिले। आने वाली वीडियोस में मैं और डिटेल में चीजें बताऊंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे इस वीडियो के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में बात करी है। मैं चाहता तो शॉर्ट में बता सकता था लेकिन मैंने चाहा डिटेल में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर गाइस, सी यू।